लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं ऐसे थोड़ा सा। अब इसको मिला देते हैं। अब इसको हम लोग डाल के बना देते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जमशेदपुर फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए स्पेशल डिश बनाने वाले हैं, क्योंकि जो हम बोले थे जो बनाएंगे वो तो हम बना नहीं पाए, क्योंकि वो मिला नहीं। वो हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ज़रूर बना के दिखाएंगे। आज हम आप लोगों के लिए कुछ और बनाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मेरे को बोली कि तुम्हारे हाथ का वो डिश बना दो, हमको बहुत खाने का मन है। तो हम आज बनाने वाले हैं, आप लोग भी देखिएगा वो हम कैसे बनाएंगे वो दिखाएंगे, और मेरी फ्रेंड से भी आपको मिलाएंगे कौन मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड्स, हम लोग देखिए मार्केट से बेसन मंगाए हैं, दही मंगाए हैं। ये दही और बेसन को सामान मिला के हम कढ़ी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। देखिए बेसन पैकेट वाला लाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है, डुप्लीकेट रहता खुला वाला, ये ओरिजिनल है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, जितना को लगता है। हल्दी डाल देते हैं, इसके बाद इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, इसमें आप थोड़ा जीरा पाउडर डाल देते हैं। अब इसको हम लोग सान देते हैं अच्छा से, मतलब मिला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग घोल दिए हैं। अब इसको थोड़ा देर छोड़ देंगे और इसके बाद फिर ऐसे करके पकौड़ी छानेंगे। ये दही है, इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसन मिला देते हैं और पानी मिला देते हैं और इसको हम लोग घोल देते हैं। पूरा जो गाढ़ा गाढ़ा है ना तो मिक्स कर दीजिएगा अच्छा से। इसमें हल्दी देते हैं रंग आने के लिए, और इसमें भी मिला देते हैं थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। अब इसको मिला देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग मसाला लिए, लहसुन अदरक भी लिए हैं, इसको पीस देते हैं, क्योंकि इसको पीसने से थोड़ा सा टेस्ट आता है। और इसके बाद फिर हम ये कढ़ी बैठाएंगे, इसके बाद देखते हैं। लहसुन अदरक पीस लिए हैं, गैस में कुकर बैठा दिए हैं, अभी कुकर भी गर्म हो रहा है। तेल अब डालेंगे, तेल डाल दिए हैं, तेल गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं और सूखा मिर्च डाल देते हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, ऐसे थोड़ा सा भूनते हैं। ये हो गया है, अब इसको हम डाल देते हैं। ये जो दही और बेसन का घोल किए थे ना, अब इसको हम डाल देते हैं और इसको हम लोग अभी धीमी आंच में इसको चलाते चलाते पकाएंगे। इसको चलाना भी है। अब इसको नमक दे देते हैं, अब इसको हम धीमा आंच में पकने देते हैं और तब तक हम लोग अब पकौड़ी छानते हैं। आइए देखिए फ्रेंड, तेल गरम हो गया है। अब इसमें जो हम लोग बेसन सान के रखे थे ये वाला, अब इसको हम लोग धीरे धीरे करके पकौड़ी छानते हैं। जितना तेल है उतना जगह होगा, उतने उतने ही छानिएगा, धीमा धीमा आंच में छानिएगा, क्योंकि अंदर भी पकना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, अब हल्का हल्का लाल हो गया, हम थोड़ा सा उसको पलटी कर देते हैं कि पलटी साइड भी पक जाए। देखिए ये पूरा अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम लोग इसको निकाल देते हैं। अब हम लोग जो दूसरा बाकी का बचा उसको भी छान लेते हैं। और ये भी रेडी हो चुका है, बस अब हम लोग इसको आगे क्या करेंगे देखिएगा। हम लोग का पकौड़ी छन चुका है और कढ़ी हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। ये है मेरी फ्रेंड, ये आ गई, ये नहाने गई थी। हाय, यही मेरे को घर लेने गई थी, क्योंकि इसको मेरा हाथ का कढ़ी बहुत पसंद है, क्योंकि स्कूल के टाइम में हमको खिला चुकी थी, तो इसीलिए हम इसको स्पेशली बुलाए हैं। इसका हाथ का कढ़ी हमें बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को तो आता नहीं है, इसीलिए हम इसको लेने गया थे घर, लेके आए हैं, तो अभी ये बना रही है। ये मेरा बहुत साथ दी, अकेले तो हम कर नहीं पाते, दोनों मिल के हम लोग के, इसलिए जल्दी जल्दी हो गया। मनीषा थोड़ा सा खाली ठोका मार दीजिएगा, हो जाएगा ठीक है। पकौड़ी कंप्लीट हो गया है और मनीषा को दे देते हैं। लीजिए मनीषा, डाल दीजिए ना।
ये तेल हम लोग छोका मारने के लिए लिए है। इसमें करिया पत्ता, सूखा मिर्चा और जीरा लिए हैं। अब इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। इसको हम लोग छोका मारेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसमें हम लोग पकौड़ी भी डाल दिए हैं। अब इसको हम लोग डाल के हम लोग छोका मार दिए हैं। अब इसको पकौड़ी भी डालिए थोड़ा नरम होने के लिए। और इसको हम लोग 15 मिनट तक छोड़ देते हैं। फिर हम लोग का कढ़ी कंप्लीट। हम लोग का कढ़ी कंप्लीट हो रहा है। 15 मिनट के लिए छोड़े हैं। और अब मनीषा से चीज बोलेंगे, देखिएगा वो कर पाती कि नहीं। मनीषा इसे करने को चाहिए ना। ये हम लोग का छोटा बाबू है, मतलब मनीषा का बेटा है। ये सो के आ गया है। आयुष नाम है इसका। हाय बोलो। हाय। इसका दांत भी देखिए सड़ गया। देखिए ऐसे करिए ना, ऐसे करिए नोज पे रखिए, देन छोड़ दीजिए। ऐसे 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 नहीं हो पा रहा शायद। आयुष आप करिए, ऐसे करिए देन छोड़ दीजिए, नहीं कर पाए। देखिए इसका दांत पूरा एक भी नहीं है। देखिए हम लोग चावल और कढ़ी निकाल लिए हैं। अब हम लोग सब कोई मिलके खाने जा रहे हैं। कैसा बना है बताएंगे। अरे वाह वाह, टेस्टी बना है बरसा। आप इसीलिए आपको हम बुलाए हैं। इसके लिए हम बोलना चाहते हैं कि थैंक यू बरसा, बहुत मेहनत करके बनाए हैं आप। अब मेरे साथ काम लगा करके आए हैं।